वेलकम बैक टू चैनल निकिस फैमिली ब्लॉग। सो आज बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, आपको पता है कि रात को 12:30 बजे मैंने आपको लास्ट गुड नाइट विश किया था। उसके बाद 2 बजे तक पूरी एडिटिंग की, उसके बाद पता नहीं 3 बजे नींद आई क्योंकि बच्चे भी थे, सब लोग बहुत सारे लोग थे तो सो तो नहीं रहते ज़्यादा, बग 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 सब चल रही थी। और सुबह से उठ गए थे आज 5:30 बजे तो पता नहीं आँखों में भी मेरी बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। और फिलहाल सब लोग नहा रहे हैं, बड़ा ही सारा सब कुछ जो है बाथरूम इंगेज है टोटली पूरे तरीके से। तो फिलहाल मेरा ये काम है कि मैं अपने प्लांट से पानी दे रही हूँ, उसे जल्दी से जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं भी नहाती हूँ। वेल आप बने रहिए मेरे साथ निकिस फैमिली ब्लॉग में, मैं जा रही हूँ जल्दी से नहाने के लिए। ऐसा है कि मैं एक दिन गायब होती हूँ कि मेरे प्लांट्स इन नन्हे मुन्नों की ना हालत खराब हो जाती है, और स्पेशली शादी में तो अभी कोई ध्यान देने वाला है नहीं, सब अपने अपने कामों में बिजी। तो मैंने सोचा है कि जब तक सब लोग अपने अपने कामों में बिजी है तो क्यों ना मैं भी इनको नहला देती हूँ। सो फिलहाल ये काम हो रहा है अभी तो, कि अभी हम टोटली फ्री है, वेले हैं, पर ये है कि सारे बाथरूम एंगेज है तो मंदीपुर में फिलहाल घूम रहे हैं। बच्चे को नींद आ रही है, ये नहा लिया है तो इसके आंखें बंद हो रही है। हाँ, सुला दे यार उसको, स्लीपिंग मोड में है वो टोटली। दोस्तों मैं नहा के ऑलमोस्ट ऐसे रेडी तो हो गई हूँ, और मैं पीछे रह गई थी, सब लोग चले गए थे माता पूजने के लिए। सो आपको ढोल की आवाज़ आ रही होगी, तो अभी मैं जा रही हूँ पीछे पीछे और उनको से जाके ज्वाइन कर लूंगी। बाबू चल बिस्किट दिलाऊंगी उतर गाड़ी से, आना ले चल बिस्किट दिलाऊंगी, गुस्से में लग रहा है अभी तो बाबू। खेत में होगा और नायन अंकल इसको लेके आ रहे मंदिर से, चलो आ जाओ चल बिस्किट लेंगे। आज तो अभी मैडम बड़ी सुंदर लग रही है। वापस आए तब मैंने इनको ज्वाइन किया है, तो मैंने जो है प्रोग्राम है पूरी तरीके से मिस कर दिया है। तूने पहना आपने सूट तो तूने पहन लिया, तूने दिया ही नहीं मुझे पहनने के लिए, कैसे ले लेते मम्मा का। नाश्ता खत्म हो गया है और ये सब लोग खा चुके हैं, और खा के अब इन लोग का फोटो सेशन चल रहा है। पर मैं नाश्ते में भी रह गई हूँ, माता पूजन में भी रह गई हूँ, टोटली सब में रह गई हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी ऐसा है कि फाइनली ये जो एक प्लेट मिल गई है तो इसी में से 4-4 लोग निपटा रहे हैं, और बहुत टेस्टी बने हुए हैं। अच्छा बना, पोहा मस्त बना। एक फोटोग्राफर भैया है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोज बता रहे हैं, और इधर ग्रुप फोटो सेशन चल रहा है। क्या कैसे दूल्हे को खींच रहे हैं, तोड़ मत देना दूल्हे को, बारात लेके जाना हाथ मत तोड़ देना। तो ऐसा इनका पोज है। अरे निक्की जी आ गए, आओ चलो चलो चलो, ले ले निक्की की, ले 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 लिया ना सबका ले लिया। तो फिलहाल ऐसा है कि अभी गंगा पूजन में टाइम है, तब तक ये जो है पब्लिक इन्हीं के साथ फिलहाल मस्ती चल रही है। ये है मेरी, अरे भाग गई है तू, रियल नाम बताऊंगी, रियल नाम बताऊंगी, भाग मत भाग मत भाग। तो ये हाँ, रियल नाम इसका है वैष्णवी उर्फ तो ये मेरी भतीजी है, और पिछले ब्लॉग में जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था मेरी भांजी उसी से छोटी वाली सिस्टर रही है। तो यहाँ चल रही है ये गंगा पूजन, आई थिंक हो गई है खत्म। घर क्यों जा रहे हो बताओ, आवास नहीं मिल रहा। अच्छा चलो ठीक है, तो इनको कुछ काम है तो ये अभी जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे और गंगा पूजन अटेंड करेंगे। सवास नहीं मतलब कि 6-7 या 9 लेडीज को खाना खिलाएंगे, तो ये जा रहे हैं अभी उसके लिए रेडी होने के लिए। दोस्तों ये है मेरे काकू साहब जो इंदौर से आए हैं, कब आए आप? परसों। हाँ परसों आए, और जो दूल्हे की शादी है मतलब जो मेरे काकू साहब उनसे बड़े वाले भैया आए हैं। रितिका का मूड क्यों खराब है? मूड नहीं खराब, अरे यार इन्हें कितना लेट कर दिया, जल्दी इतना नहीं समझ रहा हमसे, लोवर पहनना है, आई वांट लोवर, जाओ घर जाओ, गो एंड वियर योर लोवर। सो नाउ ऑल सेट फॉर गंगा पूजन, इसमें जो है जोड़े रेडी हो रहे हैं, ये जो है सब लोगों ने साफा पहन रखा है टर्बन, और अब इन लोगों की सबकी अपनी अपनी जो पार्टनर है वो बस आएगी, और फिर ये लोग बढ़ेंगे आगे धीरे धीरे। सो
फ्रेंड्स हियर, नाउ आई एम इन माय रियल अवतार, यानी कि अभी मैं कपड़े चेंज कर चुकी हूँ, नहीं झटका मारा था अभी नहीं आई है। भाभी सर लाइट आई है क्या? नहीं आई ना, नहीं आई, हल्का सा फैन हिला है, मतलब थोड़ी सी आई थी। इधर मनदीप लाइट कर रहा है, पता नहीं कोई तार वार निकल गया है तो बेचारे को टेबल पे चढ़ के करना पड़ रहा है। ऐसा होता है मोस्टली कि अगर घर पे कोई फंक्शन है या गेस्ट आ रहे हैं तो लाइट वगैरह भी बहुत परेशान करती है। अब कल से यहाँ ऐसा है कि लाइट इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है, तो अभी बेचारा लटक के लाइट ठीक कर रहा था। वेल, लाइट आ गई है और गंगा पूजन का काम चल रहा है, पूजन हो रही है। बहुत ज़्यादा धूप है तो कुछ लोग आ गए, उसमें एक मैं भी हूँ, मैं भी आ गई हूँ और मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है और गर्मी इतनी है, लोगों को घबराहट हो रही है मतलब। तो अभी ऐसा है कि जो लोग गए हैं पूजन के लिए, आपने देखा था अभी क्लिप में कि वो लोग कलश लेके गए, तो उसमें बस जल भर के लेके आ जाएंगे, तो यही सब कुछ होता है गंगा पूजन में। सो ऐसा है और मेरा मुझे जुकाम भी बड़ा परेशान कर रहा है, तो अभी जाएंगे सब लोग थोड़ी देर के बाद खाना खाने के लिए। गोपू को क्या होगा, क्यों रो रहा है? तोतू को बाहर नहीं निकाल सकते, बाहर निकाल रहा है उसको। अरे बज चुके हैं 1:45 और हम लोग आ गए खाना खाने के लिए। मस्त दाल बाफला, दाल चावल प्लस लड्डू। ये इधर पूरी चिल्लर पार्टी खा रही है एकदम तितर बितर तरीके से, बस इनको चाहिए कूलर, तो ये लोग खड़े होके नहीं खा रहे हैं। मैं भी बैठती हूँ, अब कहीं ना कहीं जगह ढूंढती हूँ। लाइट चले गई है, लाइट चले गई है, इसलिए कूलर बंद हो गया। क्यों रे, खाते खाते किसने गंदगी फैलाई है? रायता गुमगुम में, गुमगुम नहीं मैं गुमगुम क्योंकि ये काम तूने ही किया है। हाँ संडास की गोली खाली थी, कूलर समझ के संडास की गोली खाली थी। संडास की गोली क्या होती है? फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद इस भरी गर्मी में 2 घंटे की नींद लेने के बाद अभी हम सब जा रहे हैं हल्दी और मेहंदी चढ़ाने के लिए गांव के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे। उसके बाद जो है सोनू भैया की हल्दी की और मेहंदी की रस्म होगी। तो अभी इतने सारे लोग हैं मेरे साथ, भुआसा, ये भुआसा और तन्नु और बाकी लोग भी आ रहे थे, 3-4। धूप में जो है किसी का मूड नहीं हो रहा है, तो अभी हम बस 5-6 लोग ही जा रहे हैं। तो ये भरी धूप में यहाँ पे खेत में मिट्टी में पता नहीं कोई रस्म कर रहे हैं, और हल्दी की, क्या चिक्सा हल्दी की। आज जो है मुझे भी बास्केट उठाने का मौका मिला है क्योंकि आज बास्केट ज्यादा थी, सो मैंने भी उठाई है। और इधर उनका संगीत चल रहा है, मतलब बन्ना बन्नी गाते हुए आ रहे हैं ये लोग, लेके आ गए हैं। और अभी ऐसा है कि जा रहे हैं मंदिर में, अभी पहले जाएंगे हम हनुमान मंदिर में, फिर जाएंगे जेता बाबा, वो रहे सामने जेता बाबा को तो आप जानते ही हो, यहीं के गांव के एक है खुटिया बाबा, फिर राम मंदिर, ऐसे करके सारे मंदिर से आने के बाद वापस घर को। ये निशु हमें कुछ खिलाने वाली, क्या खिलाने वाली है? हाँ। आज भी खाओगे जो नहीं, गांव में कुछ ही स्पेसिफिक चीजें मिलती है। मिलता है वापस, मुझे क्या पता उनकी दुकान पे क्या क्या मिलता है उधर वाली पर। हाँ, चल जो भी जो भी अच्छा है यहाँ की लोकल चीज मिल जाएगी दुकान पे, खा लेंगे। हम आ गए मंदिर में, यहाँ चढ़ाने के लिए आई हूँ मैं, बाकी सब लोग तो नीचे खड़े हुए हैं। जेता बाबा को मैं आमंत्रित कर देती हूँ। जेता बाबा हमारे घर शादी में पधारना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पधारना। तो ये कितने चढ़ा रही है आप? कौन से बाबा? खुटिया बाबा को हल्दी और चिक्सा। और ये हम आ गए भिलट बाबा। भिलट बाबा? हाँ भाभी बुआसा, चलो चलते हैं अंदर, पानी यानी पीले थोड़ा। ये कर रहे हैं इधर गेट नॉक क्योंकि चलते चलते प्यास लगाई है पानी पीने के लिए, पर कोई गेट नहीं खोल रहा है। चलो तो फिर, पानी नहीं मिला हमको, पानी नहीं मिला, ऐसे चलो। खुला द्वार, खुला, प्यासे को पानी पिला दो। कब भुआसा का है? ठंडा पानी सबसे बड़ा सुकून, तो फाइनली पानी मिल गया। चलो आप भुआसा को पिला के आओ जल्दी जल्दी। ऐसे छोटे कंजेस्टेड रास्ते से निकलना पड़ रहा है, ये निकल के और डायरेक्ट अपने घर के मेन वहाँ आ जाएंगे रास्ते पे। हम आ गए हैं बाबू के घर के सामने वाले, वो रहा बाबू का घर और ये है बाबू के घर के सामने बाबा, भिलट बाबा। सो इनको और चढ़ा देते हैं। एक पैकेट में पार्टी हो रही है। बोतल का रख क्या गया? क्यों
कहाँ गई? बादल। बादल में कुछ भी पीपला की इतनी गर्मी में ना मुझे जुकाम हो रहा है। और इधर जो है ये माता है अपने बच्चों को ORS घोल दे रही है। रिदू भी बजा रही है ना दादाजी के साथ, रिदू भी बजा रही है। पापा हाँ मीठी चाय पी रहे हो आप? तो अभी आपको बड़े पापा ढोल बजा के बताएंगे मस्त। अच्छा चाय पी रहे? रिदू बजाओ ढोल बजाओ, ढोल बजाओ। ये गुड गाना बा हर्षा दीदी आ गई। हर्षा दी का स्वागत कर रहे हैं सब। हर्षा दी से गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेट आए हैं शादी में। एक्चुअली इनके घर पे इनकी ननद की भी शादी है इसलिए ये शायद कल वापस चले जाएंगे, तो ऐसा है इसलिए सभी लोग इनसे बड़ा शिकायत कर रहे हैं। शादी में तो सब कुछ है आओ पधारो जीजा हो ये इंसान को समोसा ही पसंद आता है। मैंने जो है ये बच्चा पार्टी को काम पे लगाया है, ये लेके जा रहे मैट्रेस। जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ाओ, जल्दी जल्दी, आराम से आराम से। तो अभी निकल रहा है सोनू भैया का बाना कुछ इस तरह से, ये घूंघट में है व्हाइट उसमें, पता नहीं क्या करेंगे अभी फिलहाल। मैं भी देख रही हूँ कि क्या होगा। हाँ शायद मेन गेट तक लेके जाएंगे इनको, ये मेन गेट तक आए और वापस मेन गेट से चले गए अंदर। तो कुछ ऐसा था सोनू भैया के बाने के बाद जो है मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए। कहाँ पे? राहुल काकोसा के यहाँ पे, क्योंकि आज जो है मेन क्या प्रतिभोज है। हाँ तो हम सभी लोग आए हैं और मैं ऐसे रेडी होके आई और बाकी लोग रेडी होके आए कुछ इस तरह से, कुछ जींस टॉप, कुछ ये एथनिक वियर, कुछ ये चमचम वाली फ्रॉक। तो ऐसा है कि अभी खाते हैं खाना, उसके बाद फिर देखते हैं, वापस घर तो जाना है हम सब लोगों को।